का प्री हिस्टोरिकल एज हो, चाहे वह मध्यकाल का इतिहास हो, चाहे वह मुगलिया सत्ता से संबंधित हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे 1942 का वह स्वतंत्रता संग्राम हो, इन्हीं सारे संदर्भों को लेके मैं डॉक्टर श्री कृष्णा आप लोगों के साथ 100% ऊर्जा के साथ आपको ऊर्जावान करने के लिए मैं निकल पड़ा हूं। इसमें आप लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए और मैं अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट आप लोगों के सामने उन चीजों को लाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ सोच के साथ, सर्वश्रेष्ठ अनुभव के साथ और बीओ के सर्वश्रेष्ठ होनहार उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए भी मैं टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप लोगों के सामने हूं। मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेके आऊंगा और उसे आप लोगों को समझना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि इसके संदर्भ को समझना होगा। जैसे आयोग में आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं, अभी आपने पीसीएस में देखा होगा आपके पास 150 क्वेश्चन हैं। यहां पे आप गलती कर के निकल सकते हैं, लेकिन यहां पे आप गलती करके निकल नहीं सकते हैं। यहां पे आपके पास ज्यादा चुनौतियां हैं, आपके पास ज्यादा चुनौतियां हैं यहां पे, और इन्हीं संदर्भों को मैं लेके चलूंगा, क्योंकि इतिहास आपके इस बीओ में इतिहास रचने जैसी कंडीशन होंगे। और अगर इतिहास ने अगर आप लोगों का इतिहास अगर रोक दिया, यह बड़ी शर्मनाक की बात होगी। और मैं प्रयास करूंगा इन बातों को समझना होगा। और हम लोग सोए भी रहे और उस समय अगर इतिहास के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे गलत ना करिए। इसी कार्य योजनाओं के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं और हम अपने संदर्भों में आएंगे। पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेंगे। सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय इतिहास और दूसरे स्टेप में होगा राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी ये भारतीय इतिहास की। इसके बाद दूसरी बात होगी राष्ट्रीय आंदोलन की। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास का मतलब होगा हम भारत का इतिहास पढ़ने निकले हैं। भारत का इतिहास में ही हम लोग मानव का इतिहास पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण होगी कि पहले हम लोग मानव का इतिहास पढ़ें और फिर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पे हो। यही हम लोगों के लिए क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण भी बात होगी और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए यह न्यू का निर्धारण भी करेगा। हम लोग अपना यह रथ यात्रा लेके निकलेंगे और मैं मानता हूं कि कितना भी कठिन महाभारत हो और जिस महाभारत का सारथी कृष्णा हो,
वह रथ नहीं रुक सकता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि हर कठिन से कठिन कुरुक्षेत्र को हम लोग जीते। इन्हीं के साथ मैं आज आप लोगों को अपना पहला वीडियो जारी करूंगा और इसी के साथ हम लोगों के अनवरत साथ रहेंगे और अनवरत क्लासेस चलेंगे और जिस लक्ष्य को साधने के लिए मैं यहां पे आया हूं उसके साध्य आप हैं। इसी साधना के साथ हम भारतीय इतिहास पे निकलते हैं और भारतीय इतिहास से हम लोग देखेंगे, मानव का इतिहास पढ़ेंगे, मानव का इतिहास पढ़ेंगे और इस मानव इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग इसका डिवाइड भी करेंगे, क्लासिफिकेशन भी करेंगे। इस भारतीय इतिहास को हम लोग लिपि और लेखन कला के आधार पे, लिपि लेखन कला तीन वर्गों में हम लोग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। लिपि का अर्थ क्या होगा, अक्षर, ध्वनि, आत्मा, जिसका क्षरण ना हो। न ध्वनि का क्षरण होता है, न अक्षरों का, न आत्मा का क्षरण होता है। इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, भारतीय इतिहास को हम लोग तीन वर्गों में बांटेंगे। पहली कंडीशन होगी प्रीहिस्टोरिकल एज। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। जहां पे लिपि और लेखन कला दोनों का अभाव होगा, जहां पे लिपि और लेखन कला का क्या होगा, अभाव होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोनेज। जहां पे लिपि और लेखन कला का पूर्णतः अभाव होगा। दूसरी हम लोग बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल एज। आद्य ऐतिहासिक काल। जहां पे हड़प्पा और वैदिक काल स्टार्ट होगा। जहां पे लिपि और लेखन दोनों मौजूद होंगे, लेकिन जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। यही कारण रहा है कि हड़प्पा की जो लिपियां हैं वह तांत्रिक लिपि के रूप में जानी जाती है। तांत्रिक लिपि कई बार पूछा गया है,
तांत्रिक लिपियां किस सभ्यता से संबंधित है, किस संस्कृति से संबंधित है, तो याद रखिएगा हड़प्पा से। दूसरी कंडी तीसरी कंडीशन हम लोगों की होगी हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जहां पे लिपि और लेखन कला, जहां पे लिपि और लेखन कला, लिपि भी होगी और लेखन कला भी होगी, यह अति परिष्कृत रूप में, यह अति परिष्कृत रूप में, यह अति परिष्कृत रूप में और अति परिमार्जित रूप में, अति परिमार्जित रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। जहां पे वैदिक काल के बाद की सारी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। हम लोग स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे यार, और स्टोन एज से संबंधित जितनी भी बातें होंगी उन पे कुछ हम लोग प्रश्नों को भी देखेंगे। आज के कंडीशंस क्या है और हम गलती कहां पे कर जाते हैं, इसको भी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे प्री हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसको हम लोग प्रस्तर एज भी कहते हैं, प्रस्तर युग भी कहते हैं, इसको पाषाण युग भी कहा जाता है, पाषाण युग भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स पे चलेंगे। जैसे सी जे टॉमसन, सी जे टॉमसन, इन्होंने कहा किस धरती पर तीन एज आए, उत्खनन के हिसाब से पहले पाषाण, दूसरा ताम्र या काश्य युग कहा जा सकता है, और तीसरी कंडीशंस होगी लौह काल। लौह काल, लेकिन हम लोग देखेंगे कि चार्ल्स लाइल ने, चार्ल्स लाइल ने, चार्ल्स लाइल ने पूरा पाषाण, पूरा पाषाण और नव पाषाण, नियोलिथिक नव पाषाण शब्द दिया। पूरा पाषाण और नव पाषाण शब्द दिया जान लुबक ने उत्खननों के बाद, जो हमारे पास उपकरण मिले उन उपकरणों के आधार पर उन्होंने कहा
कि पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड भी रहा, ट्रांजिशनल पीरियड भी रहा। इसे ही हम कहते हैं संक्रमण काल, संक्रमण काल। इसे ही हम लोगों ने क्या कहा, मध्य पाषाण काल कहा। इसे ही हम लोगों ने क्या कहा, मध्य पाषाण काल कहा, मध्य पाषाण काल कहा। एक बात याद रखिएगा, संक्रमण काल किसे कहेंगे, याद रखिएगा, जो पूरा पाषाण, जो पूरा पाषाण, जो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में हो, जो पूरा पाषाण की व्यवस्थाओं को छोड़ ना पावे और नव पाषाण काल की व्यवस्थाओं को वह ले ना पावे, इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। जैसे अगर हम लोग इससे भी बेहतर अगर देखना चाहें तो जैसे शाम का वक्त है तो सायंकाल पूरे दिन की बातों को छोड़ नहीं पाता है और रात्रि को वह अपने आगोश में ले नहीं पाता है। इसी पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं। वैदिक काल में यह शब्दावली आएगी गोधूली बेला। इस गोधूली बेला को ही हम लोग क्या कहते हैं, समय का मापक इकाई मानते हैं, समय की मापक इकाई यही गोधूली है, समय की मापक इकाई है। एक और आप लोगों के पास यहीं से क्वेश्चन आएंगे, वैदिक काल की ही शब्दावली आएंगी, गव्युति शब्द आएगा, गव्युति, गव्युति शब्द आएगा। यह दूरी माप की इकाई है, दूरी माप की इकाई है, दूरी माप की इकाई है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो 2019 का पीसीएस का इतिहास का क्वेश्चन होगा, उसमें दूरी माप की इकाई जरीब माना है, जरीब। और एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भारतीय इतिहास है हम लोगों का, यह रेखीय नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक श्रृंखला में है, चक्री है। मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा सकता हूं, स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन जब तक हम लोग अपनी ओरिजिन नहीं समझेंगे, हम इस व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तब तक इस सर्कल्स को हम लोग छू नहीं सकते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि साम्राज्यवादी जो विचारक हैं या जो पाश्चात्य इतिहास की कंडीशंस है वह क्या है, एक रेखी है, लेकिन भारत की जो इतिहास परंपरा है वह क्या है, एक चक्र के रूप में है। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि यह वैदिक काल का शब्द है और यह जरीब जो है यह अकबर काल का शब्द है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अकबर काल की अगर बातों को पूछा जा रहा है तो फिर यह वैदिक काल की बातों को कैसे वह नजरअंदाज कर दे। हम लोग आगे आते हैं और एक एक बातों को हम लोग क्या करेंगे, और भी डिफाइन करेंगे। यह आप लोग समझ गए होंगे हमारे कहने का और ले जाने का अर्थ क्या था, इस पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या करेंगे, पाषाण काल को, पाषाण काल को, यह पाषाण काल हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में। इस बात को आप लोग भूलिएगा ना, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण, और पाषाण में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, नव पाषाण। तो आप लोगों के यह
दिमाग में यह बात होनी चाहिए, पूरा पाषाण और नव पाषाण शब्द किसने दिया था? चार्ल्स लाइल ने दिया था। इस बात की जरूरत मध्य पाषाण काल की जरूरत किसको पड़ी? जान लुपक को। सारी उसकी कंडीशंस फेल्योर हो जाती, क्यों? कि द मास ऑफ एजल्स एक प्लेस है, फ्रांस का एक प्लेस है, द मास ऑफ एजल्स, द मास ऑफ एजल, वहां का उत्खनन हुआ और वहां के उत्खननों से हम लोगों को यह बात समझ में आ गई कि इन उपकरणों के आधार पर इनके काल क्रमों में भी अंतर है। एक प्रश्न यहां पे पूछा जाएगा कि जो प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज है, सबसे पहले यह चीजें देखने को कहां पे मिलती हैं? तो यह फ्रांस में, और फ्रांस है कहां पे? यूरोप में। यह आप यहां तक ले जाने का मतलब है यही कि आप यह कभी ना गलती करें कि यह बात कहां से ली गई है, स्टोन एज कहां से स्टार्ट हुआ है, इसकी ओरिजिन कहां है, यह यूरोप है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप की, और मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ाने निकला हूं, और भारतीय इतिहास में हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं वह बातें भारत के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इसी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, और हम लोग बात करेंगे फ्रांस के कुछ प्लेस की, और उन प्लेसों से जो हम लोगों को उपकरण मिले हैं, उन उपकरणों के आधार पर इस पूरा पाषाण और इस मध्य पाषाण और नव पाषाण को हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। अगर इस कंडीशंस में अगर हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो यह अपने लिए भी बड़ा घातक है। इन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि किस तरह से हम लोग क्या किया जाए, इसको डाइजेस्ट किया जाए, कितना आसानी से हम लोग इसको क्या कर दें, ग्रहण करें, और वहां पे होने वाली गलतियों को क्या करें, ना कर पाएं। क्योंकि यह आप लोगों का दायित्व तो बनता है, माता पिता, गांव, पूर्व, देश आपसे जो अपेक्षा पाला है, उस अपेक्षा पे आपको खरा उतरना होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक शब्द आएगा एवेलियन, एवेलियन, एक शब्द आएगा एशुलियन, एशुलियन, एक शब्द आएगा मुस्टेरियन, मुस्टेरियन, एक शब्द आएगा मैग्डेलियन, मैग्डेलियन, मैग्डेलियन। यह एवेलियन हैंडएक्स, 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 एवेलियन नाम की एक केव्स, केव्स, केव्स को गुहा भी कहा जाता है, इसको गुफा भी कहा जाता है, कुछ पुस्तकों में आपको गुम्फा भी शब्द आएगा, गुम्फा, क्यों आप देख ही रहे हैं, यह आप न भूल करिएगा। तो एवेलियन हम लोगों को एवेलियन नाम की गुफा में मिला, एशुलियन तरह का हैंडएक्स हम लोगों को एशुलन नामक गुफा में मिला, मुस्टेरियन नाम का हैंडएक्स हम लोगों को मुस्टेरियन नाम की गुफा में मिला, और मैग्डेलियन हैंडएक्स हम लोगों को मैग्डेलियन नाम की गुफा में मिला। लेकिन इनके बनावट में अंतर थे, इनके बनावट में अंतर थे। इसी आधार पर हम लोगों ने क्या किया, पूरा पाषाण का भी डिवाइडेशन किया, और वह कैसे किया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस आधार पर देखेंगे।
1863 में एक जियोलॉजिस्ट थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, भूतत्वविद, इनको तमिलनाडु में पल्लवरम नामक स्थान पे एशुलन तरह का हैंडएक्स मिला। यह भारत के लिए एक बहुत जोरदार बात थी कि जो सभ्यता फ्रांस में दिख रही थी, जो व्यवस्थाएं फ्रांस में यूरोप की सरजमी पे दिख रही थी, वे हम लोगों के तमिलनाडु में देखने को मिला। और यह बात किनको मिली? रॉबर्ट्स ग्रुसफुट को। और वह भूतत्वविद कौन थे? रॉबर्ट ग्रुसफुट यह जियोलॉजिस्ट थे। यहां से क्वेश्चन उठते हैं, याद रखिएगा, जो हमने एवेलियन बताया, एशुलन बताया, मुस्टेरियन और मैगडेलियन बताया, अब यही से पूरा पाषाण काल की कंडीशंस क्या हो जाएगी, हम लोग डिवाइडेशंस करना शुरू कर देंगे, इसका भी हम लोग वर्गीकरण करेंगे और पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। इन्हीं उपकरणों के आधार पर भारत में भी, और भारत में सबसे पहले याद रखिएगा, एवेलियन हैंडेक्स मिला ही नहीं भारत में। और जब विकल्प में चार चीजें होंगी, जैसे एबेलियन, एशुलियन, मुस्टेरियन और मैगडेलियन, तो वह पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी हैंडेक्स परंपरा नहीं मिली है। यहां से आप लोगों के एक क्वेश्चन पुटअप होंगे, एबेलियन, एशुलन, मुस्टेरियन और मैगडेलियन, ए बी सी डी। इस तरह के आप लोगों के वीडियो में क्वेश्चन आएंगे कि भारत में किस तरह की हैंडेक्स परंपरा नहीं प्राप्त हुई। याद रखिएगा, यह कंडीशन होगी कि यह एबेलियन तरह का ही हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। एशुलन याद रखिएगा, एशुलन हम लोगों को निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मुस्टेरियन हम लोगों को मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और मैगडेलियन यह उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहां तक ले जाने का
क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन जीवन और मृत्यु की तरह होगा। आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझना होगा, खुद को आयोग के पैमाने पर आपको उस चुनौती को स्वीकार करना होगा। इस तरह के अगर अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बीओ का ख्वाब खुल जाइएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि उस जटिल से जटिल बातों तक आपको लेके जाऊंगा जहां पे किताबें मौन हो जाएंगे, जहां पे हर वीडियो मौन हो जाएंगे, वहां पे टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपको कदम से कदम साथ देगा। इस विश्वास के साथ हम लोग जुड़े हैं, आए हैं। अगली कंडीशंस हम लोग बात करेंगे। निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। इनका वक्त देख लीजिएगा, 2.5 लाख से, 2.5 लाख से 1 लाख ईसा को बीसी कह सकते हैं, बिफोर क्राइसिस कह सकते हैं। 2.5 लाख से 1 लाख से, 1 लाख से, 1 लाख से 40,000, 40,000 ईसा पूर्व, यह हम लोगों की कंडीशंस होगी। और 40,000 से 10,000, 10,000 ईसा पूर्व, यह कंडीशंस होगी उच्च पूरा पाषाण। यहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा मध्य पाषाण काल में आ जाएंगे, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल की कंडीशंस क्या हो जाएगी, 10,000 से 7,000, 7,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल की कंडीशंस हो जाएगी, नव पाषाण काल की कंडीशंस हो जाएगी 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व, 4,000 ईसा पूर्व। यहां से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे कि सर्वाधिक स्टोन एज में कार्यकाल किसका है, समय किसका है। आपके पास विकल्प क्या होंगे, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। अब आप देखेंगे कि मध्य पूरा पाषाण आ गया, मध्य पाषाण आ गया, हो सकता है कि इन्हीं में से। और आप लोगों को देखना होगा कि निम्न पूरा पाषाण काल सबसे अधिक और निम्न पूरा पाषाण काल किस हैंडेक्स से संबंधित है। याद रखिएगा एसुलन, तो दो तरह के आप लोगों के क्वेश्चन बन गए। मध्य पूरा पाषाण काल से अगर बात आ गई तो याद रखिएगा मुस्तैरिय, उच्च पूरा पाषाण काल से बात आ गई मुस्तैरिय, यह क्वेश्चंस बनेंगे। और निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, अगर एक अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा स्थल है जो तीनों कालों से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा अपना प्रयागराज, अपना प्रयागराज, यही महत्वपूर्ण बात है कि प्रयागराज की ओरिजिन अगर यहां पर भी अगर हम लोग देख रहे हैं, मध्यकाल में अकबर का इलाहाबाद किला देख रहे हैं, कौशाम्बी की अगर जो इस समय वर्तमान में इलाहाबाद के किले में स्थापित है प्रयागराज प्रशस्ति देख रहे हैं, गुप्त काल में समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित, तो यह आप देख सकते हैं कि भारत का इतिहास क्या है, एक चक्रीय इतिहास में है। अगर हम लोग अगर बुनियाद से अगर नहीं उठेंगे तो शायद उस चरम को न समझ पावें, तो बुनियाद समझना होगा।
बुनियाद अगर हम लोग समझ लिए तो उसके पिक को समझना बहुत आसान होगा, नहीं तो पूरा सब कुछ धराशायी हो जाएगा। तो यह आप लोग समझिएगा, मेरा साथ दीजिए और मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को उन गूढ़ बातों को उजागर करूंगा, जिससे उस समय एग्जाम्स में जो हम लोग गलती करते हैं वह गलती ना हो पावे। उच्च पूरा पाषाण काल की कंडीशंस आपने देख लिया, मध्य पूरा पाषाण काल की और निम्न पूरा का पाषाण काल की कंडीशंस देख लिया। अब हम लोग अगले स्टेप्स में आते हैं। और निम्न पूरा पाषाण हैंडेक्स थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। हैंडेक्स क्या है? जो बड़े बड़े कांग्लोमरेट होते हैं, ये कांग्लोमरेट जब पहाड़ों से नदियों द्वारा लाए जाते हैं तो ये टूटते हैं तो यह पेबल के रूप में कन्वर्ट होते हैं, पेबल के रूप में। और पेबल क्या होता है? गोल मटोल पत्थर होता है। इसको ही हम लोग काट के तराश के हैंडेक्स बनाते हैं। यहां पर भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे कि हैंडेक्स बनता किससे है, तो आप जानते रहेंगे कि यह पेबल से बनता है। बचा है हमारे पास दो हिस्से, एक हिस्से को भी हम लोग क्या कर लें, ऐसा पाषाण उपकरण जो एक धारदार हो, एक तरफ धार हो, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चापर कंडीशंस कहते हैं। और एक ऐसा पाषाण खंड जहां पे दो धार हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चॉपिंग कंडीशंस बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे चापर कंडीशंस क्या है, चॉपिंग कंडीशंस क्या है। हैंडेक्स, आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल के या प्रागैतिहासिक काल के या प्री हिस्टोरिकल काल के जो हैंडेक्स होते थे वह किस चीज से बनते हैं? आप जाहिर सी बात है जवाब देंगे, पेबल। अगर पूछा जाएगा चापर किससे बनता था, आप तुरंत जवाब देंगे पेबल। अगर चॉपिंग की अगर वह बात पूछता है तो आप तुरंत जवाब देंगे पेबल। पेबल किस चीज से बना है? वह कांग्लोमरेट से बना है, या कांग्लोमरेट। या बड़े बड़े पत्थरों का ही नाम क्या होता था, कांग्लोमरेट। ये बोल्डर्स होते थे, वह टूटते थे, जो गोल मटोल पत्थर पेबल के रूप में आते थे, इन्हीं पेबलों से हम लोग हैंडेक्स, चापर और चॉपिंग। यहां से हम लोग इस बात को समझ गए होंगे। हम लोग बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण से। और कुछ पत्थरों के आप नाम भी जानेंगे, जैसे क्वार्ट्ज़ाइट। इसको ही हम लोग चकमक पत्थर कहते हैं, चकमक। इसी को ही हम लोग अस्फटिक कहते हैं, अस्फटिक। यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पूरा पाषाण काल का जो उपकरण हुआ वह सबसे अधिक किस स्टोन से प्राप्त हुआ है, यही जवाब होगा। जो इस पाषाण काल के जो स्टोन्स हैं, किन किन स्टोनों से, यह आप लोगों के हैंडेक्स होते थे, आपके चापर होते थे या चॉपिंग होते थे, यह कठोर पत्थरों से बनते थे, तो हम लोग चर्ट की बात कर लें, जैस्पर की बात कर लें। और फ्लिंट की बात कर लें।
इन सारे पत्थरों के उपकरण आप लोगों को प्राप्त हुए हैं। यहां पर भी एक क्वेश्चन आप लोगों के पास आएंगे और यह गलत नहीं होने चाहिए, यह गलत नहीं होने चाहिए। निम्न पूरा पाषाण काल से और बात होगा कि केवल इस भारतीय इतिहास में, सर आपने तो बताया था कि मानव का इतिहास पढ़ा जाएगा और आपने तो केवल स्टोन एज ही पढ़ाना शुरू कर दिया है। हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश, हथनोरा, हथनोरा, होशंगाबाद, होशंगाबाद, इस प्रयागराज के तट से, गंगा के तट से हम लोग नर्मदा के तट पर चलेंगे, नर्मदा के तट पर, नर्मदा नदी, जिन्हें वैदिक काल में रेवा नाम शब्द आया है, रेवा, यह मत भूलिएगा, क्योंकि नदियों से भी संबंधित जब मैं आप लोगों को वैदिक साहित्य पढ़ाऊंगा तो वहां पे ऋग्वेद के दशम मंडल में नदी सूक्त है, उस नदी सूक्तों में इन नदियों के प्राचीन नाम भी मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह स्टोन एज से ही स्टार्ट हो गए, तो इस नर्मदा नदी को जानिए। और यहीं पर ऐसा नर, हथनोरा का ऐसा नर जिसके पास हाथ हो, जिसके पास होश हो, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होशंगाबाद किस प्लेस से संबंधित है, तो होशंगाबाद हथनोरा, तो आप देख रहे होंगे कि कितना एक दूसरे के समीपवर्ती शब्द है। और यह एमपी है, एमपी को भारत का हृदय कहा जाता है, तो याद रखिएगा हृदय भी कहां पर भी होगा, नर के पास ही होगा, होशंगाबाद और नर्मदा। याद रखिएगा यह एक शिशु कपाल प्राप्त हुआ है, शिशु कपाल, शिशु कपाल, शिशु कपाल कहां पे मिला है, निम्न पूरा पाषाण काल से। इसी को नर्मदा मैन भी कहा जाता है, नर्मदा मैन भी कहा जाता है, नर्मदा मैन भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहां से एशुलन मिला और नर्मदा मैन मिला, यह दो बातें तो निम्न पूरा पाषाण काल से समझ। और भी प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे कि फॉसिल्स, फॉसिल या जीवाश्म सबसे पहले कहां से मिलना शुरू हो गए हैं, निम्न पूरा पाषाण काल से। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में ही जब इन पेबलों से हैंडएक्स, चापर और चापिंग बन रहे थे, तो इन्हीं से एक चिंगारी निकली, एक आग निकली। तो याद रखिएगा अगर विकल्प में निम्न पूरा पाषाण आता है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, नव पाषाण, और अग्नि से संबंधित अगर क्वेश्चन उठाया, अग्नि से संबंधित, अग्नि की खोज कब हुई, अग्नि का जानकार कब हुआ, मानव ने अग्नि का प्रयोग करना कब शुरू कर दिया, तब यह बात याद रखिएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। अगर विकल्प में यही हो, मानव ने अग्नि की खोज कब की, खोज कब की, पहला देखिए अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ है, अग्नि का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, यह सूर्य है, जो चीज हो ही ना उसका आविष्कार किया जाता है, जो चीज मौजूद हो और वह न दिख रही हो उसकी खोज होती है। तो अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ है बल्कि अग्नि की खोज हुई है, इस बात को दिल में बैठा लीजिएगा। अग्नि की खोज कब हुई है याद रखिएगा, विकल्प में अगर ए बी सी और डी निम्न पूरा पाषाण है, तो याद रखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल के अंतिम पड़ाव में अग्नि की खोज हुई थी। लेकिन अगर विकल्प में निम्न पूरा पाषाण न हो, तब आप उस कंडीशंस में मध्य पूरा पाषाण काल लगाएंगे,
लेकिन अगर निम्न पूरा पाषाण और मध्य पूरा पाषाण काल है तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल को ही लगाएंगे, क्योंकि यह 120 क्वेश्चन है। यह बात याद रखिएगा, एक एक गलती आप लोगों पर भारी पड़ेगा, वक्त बहुत कम है। हमें उम्मीद है कि यह मुश्किल से 90-95 के दिन में ही यह आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे। इसके लिए ज्ञान के स्रोत आप लोगों के यूट्यूब से हैं, ज्ञान के स्रोत गुरु हैं, ज्ञान की स्रोत पुस्तकें हैं, इनको आप बेहतर तरीके से समझिए। और दिल में अगर आग है तो रास्ता खुद बनेगा, मंजिल तक आप खुद पहुंचेंगे। एक बात याद रखिएगा, ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में चरय वेति गाथा है, उसी में कहा गया है सोते रहना कलयुग है, उठ बैठना त्रेता है, खड़े हो जाना द्वापर है, और चल पड़ना सतयुग या कृतयुग है। तो याद रखिएगा, सतयुग के लिए कृतयुग की बात हुआ है, सतयुग को कृतयुग कहा गया है। आप ऐसा भूल ना करिएगा, सतयुग या कृतयुग आप ला सकते हो। एक बात और याद रखिएगा, हम लोगों ने अपनी गरीबी में आंखें भले खोली हैं, लेकिन शाम को और रात में अगर सोइए तो कहिए कि ये आंखें गरीबी में नहीं बंद होंगी। हम लोग आगे की बात करेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा गया कि मानव अग्नि का जानकार कब हुआ और मानव ने अग्नि का प्रयोग कब करना शुरू कर दिया, तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित वह बात हुई। मध्य पाषाण काल में महदहा एक शब्द पढ़ेंगे, महदहा यह मध्य पाषाण काल का प्लेस है, महदहा शब्द। हम आते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां पे अग्नि की बात है तो अग्नि की बात को हम लोग क्या करें, क्लियर कर लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो यह ना आप लोगों को लगे कि कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं। मध्य पाषाण काल में एक शब्द आता है महदहा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए तो इस महदहा में एक शब्द और जोड़ लीजिए, महदहा में एक शब्द जोड़ लीजिए, दहन शब्द। दहन शब्द अग्नि से संबंधित है, अग्नि से संबंधित है, और यहीं पर गर्त चूल्हे आपको देखने को मिलते हैं। उसी गर्त चूल्हे में सिंह सहित भैंसे का शीर्ष प्राप्त हुआ है। सिंह युक्त शीर्ष कहां से मिला है, इसी महदहा में। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य क्या हो गया था, अग्नि का जानकार हो गया था। लेकिन आप लोग देखेंगे नवपाषाण काल में गुफ कराल और एक और शब्द आएगा बुर्ज होम। गुफ कराल जहां पे कुम्हारों की बस्तियां मिली हैं, यहां पे चाक निर्मित। याद रखिएगा, इस क्लास में, डॉक्टर जी कृष्णा के क्लास में हर शब्दों पे आपका निगाह होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी अगर डाइवर्ट हुए तो फिर आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे। चाक निर्मित मृदभांड नौ पाषाण काल से यही गुफ कराल से ही प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ हुआ
कि सबसे पहले मृदभांड की जानकारी कहां पे मिलती है? एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया कि मृदभांड सबसे पहले देखने को कहां मिला। इसका मतलब है कि चाक का आविष्कार अचानक नहीं हुआ होगा, इसके पहले लोग हस्त निर्मित मृदभांड बनाना शुरू किए होंगे और हस्त निर्मित मृदभांड मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलता है। दो क्वेश्चन हुए अग्नि से भी संबंधित, और नव पाषाण काल में यह चाक निर्मित मृदभांडों को अगर गुप्त कराल में अगर उस आवे में अगर पकाया जा रहा है तो यह बातें आप लोगों को देखने को मिली। तो जब भी क्वेश्चंस बनेंगे बहुत गुमराह करने वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन ये है कि जो भी पढ़िए उसे सही पढ़िए, सही दिशा में पढ़िए। कहा जाता है फर्स्ट यू चेंज आवर डायरेक्शन देन चेंज योर लाइफ। दिशा बदलिए, दशा खुद बदल जाएगी। अगर आप दिशा नहीं बदल रहे हैं, आप उसी पुरानी अपनी गतिविधियों के साथ हैं, तो याद रखिएगा यह बहुत खतरनाक आप लोगों ने राह चुना है। और दूसरी बात है कि यह शिक्षक बनने का नहीं है। अब तक आप लोग बीएड करते थे तो टेट देते थे, सीटेट देते थे, लेकिन यहां पे आप लोग देख रहे हैं बीओ, बीओ में यह शब्द लगा है ऑफिसर, तो यह आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बात होगी कि आप शिक्षक नहीं बल्कि ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होगी, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होगी। श्रमिक अगर बनना हो तो आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑफिसर्स बनना होगा तो आपको स्मार्ट वर्क करने पड़ेंगे। हम लोग आगे की कंडीशंस की बात करेंगे, आगे की कंडीशंस की बात करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चंस बन गए होंगे कि अग्नि का खोज कब हुआ, अग्नि का मानव ने प्रयोग करना कब शुरू किया और अग्नि का जानकार कब हुआ। यह क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर समय अगर आप लोग लगा रहे हैं, अगर हमने भी अगर समय अगर आप लोगों को दिया है, तो यह बात याद रखिएगा कि यह लाभ मिले दोनों को। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हम अगले लेक्चर्स में आपके सामने पुनः मुखातिब होंगे। तब के लिए धन्यवाद।